न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। मुश्किलें लेकर आई बारिश, महाराष्ट्र में पेड़ गिरने से दो लोगों की मौके पर मौत। जी हाँ, पहले लोग गर्मी से परेशान थे, फिर बारिश आई। लगातार बारिश आने की वजह से जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं बारिश कई जगहों पर बड़ी समस्या बन गई है। राजधानी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश कई जगह पर समस्या बनती ही जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पेड़ गिरने की वजह से दो पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। जी हाँ, वहीं असम में चार और लोगों की मौत हो गई है। भारी लगातार बारिश ने गुजरात, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जनजीवन को बहुत प्रभावित किया है। जी हाँ, चार लोगों की मौत। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से चार लोगों की मौत हो गई है। बारिश और बाढ़ से जुड़े अलग अलग हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या 11 तक पहुंच गई है, जबकि 38,000 लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से एक पेड़ गिर गया। ये पेड़ एक गाड़ी पर गिरा जिस पर दो पुलिसकर्मी सवार थे। जी हाँ, इस हादसे में दोनों पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार बारिश की वजह से आधी रात को एक घर के दीवार ढह गई, एक दीवार गिर गई। मुंबई से सटे पालघर के दहानू तालुका में बारिश के कारण एक घर की दीवार ढह गई। इस दीवार किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। वहीं मुंबई के असलफा मेट्रो स्टेशन के पास भी एक हादसा हुआ, जहां एक घर का हिस्सा गिर गया। इस हादसे में एक शख्स घर के अंदर फंसा हुआ था, जिसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बात करें राजधानी दिल्ली की तो वहां कई जगह पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। गोरखपुर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत। जी हाँ, उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को लिए बृहस्पतिवार का दिल राहत भरा रहा। जी हाँ, वही शुक्रवार सुबह से ही गोरखपुर जिले में तेज बारिश हो रही है। देर रात से बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ रिमझिम फुहारे से मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, बुधवार की तुलना में बृहस्पतिवार को दिन के तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ गई है। बुधवार को जहाँ अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज कराया गया था, वहीं बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस कम होकर 31.9 पर झुलस गया। जी हाँ, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को भारी बारिश की संभावनाएं जारी की है। जी हाँ, बुधवार की शाम को बारिश के बाद मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। पूरी रात पूर्वा हवा चलने से काफ़ी राहत तो रही, कूलर चलाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, पंखा से ही काम चला लिया। जी हाँ, वहीं बृहस्पतिवार सुबह से ही मौसम का मिजाज सुहाना रहा। सुबह से ही बादल छाने से लोगों ने राहत की सांस ली। सुबह करीब 10 बजे हल्की बारिश के बाद मौसम और सुहाना हो गया। जी हाँ, पूरे दिन हल्की व मध्य बारिश के साथ रिमझिम फुहारों को लोग लुफ्त उठा रहे हैं। परिणाम स्वरूप दिन का अधिकतम तापमान में कभी कमी देखी। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 34.8 व न्यूनतम 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी मौसम सुहावना होने का अनुमान जताया था। शुक्रवार तड़के सुबह से ही भारी बारिश की हो रही है। आगे कुछ दिन तक मौसम का मिजाज नर्म बने रहने की संभावना है। बनारस के आंध्रा पुल पर जलभराव, अखिलेश यादव ने वीडियो किया ट्वीट, सरकार पर कसा तंज। जिया वाराणसी में हुई बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। झमाझम बारिश से नगर निगम की पोल खोल दी है। जिया आंध्रा पुल में हुए जलभराव का एक वीडियो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए भाजपा पर तंज कसा है। जिया इस वीडियो में से गाड़ियों का निकलने में मशक्कत करनी पड़ी रही। इस वीडियो को पोस्ट हुए 8 घंटे बीत चुके और अभी तक इसे 1 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। जी हाँ, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि बारिश के चलते हुए जनभराव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क, मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।